स्काईलाइन स्कूल सिस्टम की तकसीम इनामात की तकरीब मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्कद हुई। तकरीब में आने वाले मोजज मेहमानों का डायरेक्टर अहमद रजा, प्रोफेसर मोहम्मद आजम खोखर, प्रिंसिपल दी पंजाब स्कूल नादर कैंप्स, प्रोफेसर जमुरत इजाज ने वालिहाना इस्तकबाल किया। तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर मोहम्मद मुमताज, असिस्टेंट डायरेक्टर वुड वर्किंग सेंटर गुजरात, नैयर इकबाल ऑफ फ्रांस, नजमुल हसन भट्टी साबक चेयरमैन यूसी साबोवाल, आबद हैर कतवी असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन, राणा आमर सईद SHO थाना शहीन, मेहर अब्दुल शकूर MD आमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर सहाफी राणा रिजवान, मिसिज अमजद परवेज ऑफ मंगोवाल, ASI मोहम्मद अक्रम, मिर्जा रिजवान अता डिप्टी कन्वेयर थाना शाहीन, काशिफ नदीम जज्बा न्यूज, मिर्जा वहीद बेग, हामद सईद मुहर्रर थाना शाहीन, मिर्जा अलियास रहनुमा मुस्लिम लीग काफ, मिर्जा अदीब जंजुआ, राणा इमरान और दीगर मोजिज मेहमानों ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब का बकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ मौजूआत पर टैबलो पेश करके हाजरीन की खूब दाद हासिल की। माने खसूसी डॉक्टर मोहम्मद मुमताज, नजमुल हसन भट्टी, नैयर इकबाल, आबद हैर कतवी, SHO राणा आमर सईद और दीगर मेहमानों ने पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर SHO थाना शाहीन राणा आमर सईद ने खिताब करते हुए कहा कि वालदैन को चाहिए कि बच्चों की ऐसी तरबियत की जाए कि वो आगे जाकर मुल्क और वालदैन का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि मैं आज जिस मुकाम पर हूं, इसमें मेरे वालदैन का बहुत बड़ा हाथ है। स्कूल के डायरेक्टर अहमद रजा ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मौजूद मेहमानों में आजादी शील्ड तकसीम की गयी। इस मौका पर वालदैन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब के अहतमाम पर मोजज मेहमानों के एजाज में रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया गया। रिपोर्ट जहां जेब अक्रम, GNI न्यूज गुजरात।